एंड गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज मी मुदिता एंड आई एम हेयर टू डिस्कस द वर्कशीट नंबर फिफ्टी फाइव ऑफ क्लास नाइन्थ आज हम साइंस की वर्कशीट करने वाले हैं फिफ्टी फाइव और ये वर्कशीट थर्टींथ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए है आपको पता है जो लास्ट वर्कशीट थी फिफ्टी फोर उसमें हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने मतलब परिचय इस चैप्टर का और इसाक न्यूटन के बारे में हमने पढ़ा था 54 वर्कशीट में अगर आपने वो वर्कशीट नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लें क्योंकि वो इंट्रोडक्शन और चैप्टर का इंट्रोडक्शन कभी भी मिस नहीं करना चाहिए आज हम पढ़ेंगे मुक्त पतन क्या होता है गुरुत्वाकर्षण में भी ये एक चीज़ है एक टर्म है जिसको हम आज समझेंगे चलिए शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख देंगे जो बच्चे क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग पढ़ाई को समझ भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं और आंसर कर रहे हैं ज्ञान पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु नीचे की ओर किस प्रकार आती है कभी आपने इस बात को नोटिस किया है हमने जो लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि यदि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो वो हमेशा नीचे ही गिरती है जैसे पेड़ से फल गिरा तो वो नीचे गिरा आपके हाथ से कलम छूट गई वो भी नीचे गिरेगी कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ से छूटी तो वो नीचे ही गिरती है लेकिन दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यदि हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं मान लीजिए आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वो भी थोड़ी देर बाद नीचे की ओर ही आके गिरती है तो ज्ञान पूछ रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो किस प्रकार नीचे गिरती है तो जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं जब कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है आपने भी देखा होगा यदि आप कोई गेंद ले ठीक है कोई खेलने वाली गेंद लें उसे ऊपर की ओर उछालें तो वो एक हाइट तक एक ऊंचाई तक जाएगा और उसके बाद वापस वो नीचे गिरने लगता है ठीक है जैसे कि ये लड़की इमेज में दिखाई हुई है अगर ये ऊपर की ओर ये जो बना रहा है स्ट्रक्चर बना रहा है ये ऐसे गिर रहा है और फिर नीचे आके गिरने लग जा रहा है जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के, के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं क्या आपको पता है कोई वस्तु नीचे क्यों गिरती है क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर चीज़ को अपनी ओर खींचता है आपका जो वज़न है वो भी इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर भी लग रहा होता है जब हम किसी चीज़ को ऊपर खींच भेजते हैं मतलब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आप एक बल लगाते हैं ठीक है एक बल से फेंकते हैं तो जितना बल लगाया उतने ऊपर तक वो जाता है लेकिन उसके बाद फिर से गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर आकर्षित करता है और वो चीज़ नीचे की ओर गिरने लगती है और जब कोई चीज़ नीचे गिरती है वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है तो उसे हम क्या बोलते हैं मुक्त तो पतन बोलते हैं मुक्त पक्तन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है जब कोई चीज़ नीचे गिरने लगती है तो क्या होता है उसकी दिशा तो वही रहेगी लेकिन उसमें उसके लगातार वेग में वृद्धि होती है मतलब जो उसकी रफ्तार है नीचे गिरने की वो लगातार बढ़ता जाता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होता है जब भी वेग में परिवर्तन आता है तो क्या उत्पन्न होता है जब भी वेग में परिवर्तन आता है तो त्वरण उत्पन्न होता है मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण क्या कहलाता है त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है मतलब आप देखिए जो हमने मोशन वाला यानी गति वाला पाठ पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि वेग वेग में जो बदलाव आए तो वो त्वरण कहलाता है और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो त्वरण जो त्वरण मुक्त पतन के कारण हो रहा है तो वो गुरुत्वाकर्षीय त्वरण होगा ठीक है ऐसा त्वरण जो पत, मुक्त पतन के द्वारा अनुभव किया जाता है और मुक्त पतन में वेग में परिवर्तन आएगा तो त्वरण उत्पन्न होगा और जो त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण तो गुरुत्वीय त्वरण सिंपल सी बात है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण वो गुरुत्वीय त्वरण और जी द्वारा दर्शाया जाता है और इसका जो मान होता है मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नापते किसमें है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ठीक है आगे देख लेते हैं आगे आपको एक चीज दिखाई गई है पहले तो हम इस चीज को समझेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसका जो फॉर्मूला बना है ठीक है वो उसका समीकरण वो किस प्रकार बना है उस चीज़ को हम समझेंगे ठीक है हल करके देखेंगे फॉर्मूला कैसे बना है उसके बाद हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे मान की किसी वस्तु और पिंड के द्रव्यमान समक्ष एम और एम है हमने मान लिया कि देख लीजिए एक ये है पृथ्वी ठीक है ये है हमारी पृथ्वी और एक है कोई वस्तु ये है एक हमारी वस्तु हमने क्या माना कि ये जो वस्तु है और ये पृथ्वी है तो जो हमारी पृथ्वी है इसका कुछ द्रव्यमान होगा उसको हमने एम माना और इसका द्रव्यमान वस्तु का हमने छोटा एम माना और पृथ्वी द्वारा वस्तु पे लगाया गया और जो ये पृथ्वी है ये पृथ्वी वस्तु पे कोई बल लगा रही है तो जो बल लगा रही है उसको हमने क्या माना F यानी फोर्स यदि पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी और हमने माना कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी D आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी पर उपस्थित हर वस्तु पे बल लगा रही है और हर वस्तु भी पृथ्वी पर बल लगा रही है ठीक है तो ये जो बल लग रहा है उस बल को हमने एफ़ माना इन दोनों के बीच की दूरी को हमने डी माना इसका द्रव्यमान एम और इसका द्रव्यमान मान छोटा एम माना हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम हमने वर्कशीट 54 में पढ़ा था वो कहता है कि बल का मान कितना होता है जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर यहाँ पे ये दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान होता है डी स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी होती है और जी गुरुत्वाकर्षण का एक वैल्यू होती है ठीक है तो ये हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाती है पहले जो गुरुत्वाकर्षण का हमारा नियम है दूसरा पूछा है गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के कुड़न फल के बराबर होता है इसके अलावा मुक्त पतन के समय क्या होता है जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उस पर ग्रेविटी लग रही होती है गुरुत्वाकर्षण लग रहा होता है तो अगर कोई भी चीज़ नीचे गिरती है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो एम जी के बराबर होता है एम जी मतलब एम मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान और जी मतलब गुरुत्वाकर्षण तो कोई भी वस्तु अगर नीचे गिरती है मुक्त पतन के दौरान तो उसमें फोर्स की वैल्यू ये होती है बल की वैल्यू ये देखिए ये भी क्या है एफ है ये भी क्या है एफ है तो अगर दोनों की वैल्यू एफ एफ है तो हम दोनों की वैल्यू आमने सामने रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं फोर्स बराबर फोर्स हो सकता है जी हो सकता है तो इक्वेशन ये वन है ये इक्वेशन टू है तो हमने क्या या इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर रख दिया क्योंकि दोनों ही क्या हैं फोर्स हैं तो ये वैल्यू क्या थी जी अपॉन में डी स्क्वायर और ये क्या थी एम जी यहाँ से दोनों का एम, एम हमने कट कर दिया तो जब हम एम, एम कट कर देते हैं बेटा इधर से और इधर से तो हमारा क्या बचता है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन में डी स्क्वायर ये हमारी वैल्यू आ जाती है छोटे जी की ठीक है तो अगर हम ये मान लें कि जो हमारी पृथ्वी है जो पृथ्वी है उसका वो गोले की तरह है तो उसकी जो त्रिज्या है हमने उसको मान लें क्या आर मान लें कि उसकी त्रिज्या क्या है आर अभी हम दूरी को क्या बोल रहे हैं डी स्क्वायर बोल रहे हैं कि हमने माना जो वस्तु है कहीं दूर रखी अगर हम मान लें कि जो पृथ्वी के पास वस्तु है वो यहीं पर रखी हुई है बिल्कुल पास में रखी हुई है तो क्या होगा इसकी दूरी को हम डी के बदले आर भी लिख सकते हैं जो हमने दूरी लिखी है वो पृथ्वी के रेडियस के बराबर भी लिख सकते हैं तो वहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है बहुत ही निकट है पृथ्वी के तो दूरी d को हम क्या लिख सकते हैं r के बराबर होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम यहाँ पे डी स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे आर स्क्वायर बस सेम यही लिखना है ठीक है एज इट इज लिखना है g इक्वल टू जी एम स्क्वायर और यहाँ पे डी स्क्वायर के बदले क्या कर देंगे आर स्क्वायर तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो निकल जाएगा जी का मान निकालने का यहाँ से आपको नुमेरिकल यानी सवाल करने को आएंगे वो आप कर सकते हैं तो ये हमने हल कर लिया अब आपको एक चीज़ दी हुई है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार होती है ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे होते हैं इसके ध्रुव और क्या होता है इसके अलावा हमारा विश्ववत व्रत होता है तो हमारी जो पृथ्वी होती है ये इसके ध्रुव होते हैं ठीक है साउथ पोल नॉर्थ पोल आपने पोल्स पढ़े होंगे और ये क्या होता है विश्वत व्रत होता है ये वाला तो जो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ये भी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की भी त्रिज्या है तो यहाँ पे एक चीज़ दी है कि पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है मतलब जो गोला होता है वो पूरा गोला होता है लेकिन पृथ्वी तो एक पूरा संपूर्ण गोल नहीं है इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवोप से विश्वत वृत्त की ओर जाते हुए बढ़ती है तो हम जब भी ध्रुवों से विश्वत और की और जाते हैं, तो उसकी जो है वो बढ़ जाती है इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत व्रत से अधिक हो जाता है मतलब जो जी का मान पृथ्वी पे ध्रुवों पे विषुवत व्रत का मान अधिक होता है और विश्वत व्रत पर यहाँ पे कम होता है तो अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर पृथ्वी में ध्रुवों पर अधिक होता है या विश्व व्रत पे तो आप क्या बोलेंगे ये आर ई का मतलब क्या है रेडियस ऑफ इक्वेटर और आर पी का मतलब है रेडियस ऑफ पोल्स पोल्स पे कम होता है इक्वेटर से ठीक है इक्वेटर मतलब जो डिवाइडर होता है और पोल्स मतलब साउथ पोल नॉर्थ पोल यानी कि ध्रुव तो इक्वेटर पे हमारा ज्यादा होता है पोल्स से तो ये आपको दिखाया गया है अब आपसे प्रश्न पूछा है मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए दूसरे प्रश्न में बोला है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं इसका मात्रक क्या है तीसरे में बोला है कि जी का मान ज्ञात करने का जो सूत्र है फॉर्मूला है उसे प्रूव करिए और चौथे में बोला है जी का मान पृथ्वी के विश्व वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर ध्रुवोपधि क्यों होता है इसके बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे उससे पहले आपके लिए कोविड के संदर्भ में एक मैसेज है वो मैसेज है कि आपको दो गज या छः फीट का दूरी बना के रखना है घर में और घर के बाहर दोनों जगह चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए तो आप लिखेंगे जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं ठीक है मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है जैसे कि हमने पढ़ा था जिससे त्वरण उत्पन्न होता है तो जब भी कोई वस्तु गिरेगी ऊपर से नीचे की ओर और, और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर गिरेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे मुक्त पतन बोलेंगे और इसमें क्या होता है दिशा सेम रहती है लेकिन वेग में लगातार वृद्धि होती है जिसके कारण एक उत्पन्न होता है त्वरण दूसरे प्रश्न में आपसे बोला है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं इसका मात्रक क्या है तो आप लिखेंगे मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण क्या कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है और इसका ऐसा ही मात्र मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह आपका उत्तर एक और दो हो गया स्क्रीन ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है तो वहां वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए वीडियो को यहाँ से समझिए वहाँ से आपको सारे आंसर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं वहाँ से आप कॉपी में आंसर कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जी का मान ज्ञात करके सूत्र परिकल्पित कीजिए तो जो हमने अभी हल किया था एज इट इज़ आपको वही चीज़ करनी है पूरा वैसे ही लिखना है सबसे पहले आपको मानना है कि ये कि ये क्या है ये हमारी पृथ्वी है ठीक है ये एक हमारी वस्तु है इसका मा इसका जो द्रव्यमान m है इसका द्रव्यमान क्या है m इन दोनों के बीच की दूरी क्या है d और पृथ्वी जो इस पर बल लगा रही है वो क्या है f ये चीज़ें हमने मानी तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है इसके बाद लिखना है कि जब गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम के अनुसार f की वैल्यू कितनी होती है फोर्स कितना होता है g m इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर यानी कि दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल और डी स्क्वायर के बराबर होता है और अगर कोई भी चीज नीचे गिरती है तो मुक्त पतन के कारण उस पर लगने वाला जो बल होता है वो एफ इक्वल टू एम जी होता है दोनों ही बल का मान है तो दोनों को हम आमने सामने रख देते हैं इक्वेशन वन इक्वेशन टू एम से एम कट जाता है तो हमारा क्या बचता है जी बचता है जी एम अपॉन में डी स्क्वायर यहाँ पे डी स्क्वायर हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के पास जो वस्तु है वो बिल्कुल पास में रखी हुई है तो डी स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके बराबर तो यहाँ से हमारा डी स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर रख देते हैं तो वैल्यू हमारी निकल जाती है इसको आपको एज इट इज़ कॉपी में करना है ठीक है आंसर मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगी क्वेश्चन चार में बोला है जी का मान पृथ्वी के विश्व की अपेक्षा ध्रुवो पर अधिक क्यों होता है तो आप लिखेंगे पृथ्वी पर समान रूप से गोलाकार नहीं है इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विश्वत व्रत की हो जाते हुए बढ़ती है इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विश्व व्रत से अधिक हो जाता है तो यह आपका उत्तर नंबर चार हो जाता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर फिफ्टी फाइव हल कर ली है आपको इस दिवाली की छुट्टी में अच्छे से दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है क्योंकि फेस्टिवल वीक है साथ में पढ़ाई भी करनी है और कोशिश करनी है कि आप पुरानी वर्कशीट्स को रिवाइज़ करें बार बार रिवाइज़ करें क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत कम होता जा रहा है बेटा दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में आपके मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम हो सकते हैं तो आपको बी प्रिपेयर रहना होगा पहले से ही और नेक्स्ट ईयर आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको सारी जो परीक्षा देनी होगी आपको फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देनी होगी ठीक है Next year, सब कुछ आपको आपको तरीके से से देना होगा इसलिए अभी प्रिपेयर रहना चाहिए सो so, आपको आज क्वेश्चन बताना है कि जो हमारा गति का तीसरा नियम है गति का तीसरा नियम है वो क्या है वो आपको बताना है या फिर उन वैज्ञानिक का नाम बताना है उन वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने गति के नियम दिए और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया उन वैज्ञानिक का नाम बताना है मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके एक स्माइल करना है मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में